अन्नपूर्णा सदा पूर्णा, शंकर प्राण वल्लभे, ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थे, भिक्षां देहि जय पार्वती। राधे राधे। मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं, माँ बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ अगहन मास में माँ अन्नपूर्णा व्रत कथा। बंधुओं, अन्नपूर्णा व्रत वर्ष में एक बार मार्गशीर्ष अर्थात अगहन मास की कृष्ण पक्ष की पंचमी से आरंभ होता है। व्रत करने वाला स्नान आदि से निवृत्त हो स्वच्छ वस्त्र धारण कर पूजन की सामग्री रख रेशमी अथवा साधारण सूत का डोरा लेकर उसमें सारा गांठ लगावे। लाल फूल चंदन आदि से पूजन कर डोरे को अन्नपूर्णा के चित्र के निकट रख माँ भगवती की धूप आदि से पूजन करें। सारा हरे धान का चावल लेकर भगवती अन्नपूर्णा की प्रार्थना करें। हे अन्न देने वाली माँ अन्नपूर्णा, मुझे पशु पुत्र यश लक्ष्मी दो, आयु आरोग्य एवं ऐश्वर्य प्रदान करो। हे देवी, आपको नमस्कार है। इस प्रकार प्रार्थना कर पुरुष सीधे हाथ और स्त्री बाएं हाथ की कलाई में डोरे को धारण कर अत्यंत स्वस्थ चित्त से इस कथा को सुने। इस प्रकार 16 दिन तक उपवास रख डोरे की पूजा कर कथा सुननी चाहिए। यदि 16 दिन का उपवास संभव ना हो तो 1 दिन का उपवास करें। यदि 1 दिन का करने में भी असमर्थ हो तो केवल कथा कहकर प्रसाद लें। निराहार रहकर कथा कहें। यदि कोई सुनने वाला ना मिले तो पीपल का पत्ता रख सुपारी ग्वार पाठा वृक्ष इसमें से किसी को सामने रख दीपक को साक्षी कर सूर्य गाय तुलसी या महादेव इनमें किसी को कथा सुनावे। बिना कथा सुनाए मुंह में दाना ना डाले। यदि मुख में कुछ पड़ जाए तो 1 दिन का उपवास रखें। 16 दिन तक उपवास रख कथा सुनने के बाद 17वें दिन अर्थात अगहन मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी को व्रत करने वाला सफेद वस्त्र धारण कर पूजा गृह में स्थित हो धान की बाल का कल्प वृक्ष बनावे। उसके नीचे भगवती अन्नपूर्णा की लाल मूर्ति रतन के सिंहासन पर स्थापित करें। उस मूर्ति के बाईं ओर अन्न से भरा हुआ पात्र दाहिने हाथ में कलछुम रखे धूप दीप नैवेद्य सिंदूर फूल आदि भगवती अन्नपूर्णा को समर्पित करें। भगवती की प्रदक्षिणा कर साष्टांग प्रणाम करें। अपने हाथ के डोरे को निकाल कर भगवती के चरणों में रख प्रार्थना करें। हे माँ अन्नपूर्णे, संपूर्ण संपत्ति को प्रदान करने वाली यह डोरा जिसे मैंने धारण किया था उसका व्रत पूर्ण हो गया। इस डोरे को अब तुम ग्रहण करो। हे माँ अन्नपूर्णे, तुम तो तीनों लोकों का पालन करने वाली हो, मैं तो तुम्हारा दास हूँ। अतः हे माँ अन्नपूर्णे, तुम मुझे श्रेष्ठ वर प्रदान करो और मेरी रक्षा करो। इसके बाद अन्नपूर्णा व्रत की कथा सुने, गुरु को दक्षिणा प्रदान करें, सारा पत्रों में बिना नमक प्रसाद रख ब्राह्मणों को दान दें, सुहागिन स्त्रियों को भोजन करावें। उसके बाद रात्रि में स्वयं भी बिना नमक का भोजन करें, माँ भगवती का गुणगान करें, पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम कर भगवती से प्रार्थना कर विसर्जन करते हुए, हे माँ, हम तथा हमारी स्त्री और ये सब बच्चे तुम्हारे सेवक हैं। हे माँ, हमको तुम्हारे चरण कमल के अतिरिक्त और कोई सहारा नहीं है। हे माँ, हमारे अपराधों को क्षमा करो, मेरे परिवार पर नित्य कृपा दृष्टि रखो। कल्प वृक्ष बनाए गए धान की बालों का उपयोग बीज आदि के लिए करें अथवा स्वयं भोजन करें, पर दूसरों को कदापि ना दें। अन्नपूर्णा माँ के व्रत की पूजन सामग्री धूप दीप लाल फूल रोली हरे धान के चावल अन्नपूर्णा देवी का चित्र रेशमी या साधारण सूत का डोरा पीपल का पत्ता सुपारी या कुमारी तुलसी का पौधा अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति धान की बाल का कल्प वृक्ष अन्न से भरा हुआ पात्र कलछुल सारा पात्रों में पकवान बिना नमक का हरे धान का चावल श्री अन्नपूर्णा माता जी की व्रत कथा।
बोलो अन्नपूर्णा माता की जय हो। एक समय की बात है, काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सब सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का कारण थी। यह दुख उसे हर समय सताता था। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से बोली, स्वामी आप कुछ उद्यम करो तो काम चले, इस प्रकार कब तक काम चलेगा। सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवादिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ नहीं आता, केवल तुम्हारे भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके मैं 2-3 दिन भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन क्या कह गया, इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर से आते हुए ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा, पंडित जी अन्नपूर्णा कौन है। ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़ बैठा है, सो तुझे अन्न की ही बात सूझती है, जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर गया, स्त्री से सारी बात कही। वह बोली, नाथ चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वे स्वयं ही इसका खुलासा भी करेंगे, आप फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसे के तैसा पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी, कहा तू पूर्व दिशा में चला जा। वह अन्नपूर्णा का नाम जपता जाता, रास्ते में फल खाता जाता, झरनों का पानी पीता जाता, इस प्रकार कितने ही दिनों तक चलता गया। वहां उसे चांदी सी चमकती वन की शोभा देखने में आई, सुंदर सरोवर देखने में आया। उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थी, एक कथा कहती थी और सब माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थी। यह अगहन मास की उजियारी रात्रि थी, आज से ही व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की खोज करने वह निकला था उसे वहां सुनने को मिला। धनंजय ने उसके पास जाकर पूछा, हे देवियों आप यह क्या करती हो। उन सब ने कहा, हम सब माँ अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। व्रत करने से क्या होता है, यह किसी ने किया भी है, इसे कब किया जाए, कैसा व्रत है और इसकी क्या विधि है, मुझसे भी कहो। वे कहने लगी, इस व्रत को सब कोई कर सकते हैं। 21 दिन तक के लिए 21 गांठ का सूत का धागा लें, 21 दिन यदि ना बने तो 1 दिन उपवास करें, यह भी ना बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद लें, निराहार रहकर कथा कहें, कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के पत्तों को रख सुपारी या गुवार पाठा के वृक्ष को सामने कर, दीपक को साक्षी कर, सूर्य गाय तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना ना डालें। यदि भूल से दाना पड़ जाए तो 1 दिवस फिर उपवास करें, व्रत के दिन क्रोध ना करें, झूठ ना बोलें। धनंजय बोला, इस व्रत के करने से क्या होगा। वे कहने लगी, इसके करने से अंधों को नेत्र मिले, लूलों को हाथ मिले, निर्धन के घर धन आए, बांझे को संतान मिले, मूरख को विद्या आए, जो जिस कामना से व्रत करे माँ उसकी इच्छा पूरी करती हैं। वह कहने लगा, बहनों मेरे भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है, मैं तो दुखिया और दरिद्र ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूत दोगी। हाँ भाई तेरा कल्याण हो, तुझे देंगी, ले इस व्रत का मंगल सूत्र ले। धनंजय ने व्रत किया, व्रत पूरा हुआ, तभी सरोवर में से 21 खंड की स्वर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई।
धनंजय जय अन्नपूर्णा, जय अन्नपूर्णा कहता जाता। इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियां उतर गया, क्या देखता है करोड़ों सूर्यों के समान अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने स्वर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु भगवान शंकर खड़े हैं। देवंगनाएं चवर डुलाती हैं, कितने ही हथियार बांधे पहरा देती हैं। धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। देवी उसके मन का क्लेश जान गई। धनंजय कहने लगा, माता आप तो अंतर्यामिनी हो, आपको अपनी दशा क्या बताऊं? माता बोली, तूने मेरा व्रत किया है, जा संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जीवा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है, काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान ले धनंजय घर आया। सुलक्षणा से सब बात कही। माता जी की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियां जमा होती हैं, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं तो इस कमाई का भोग कौन करेगा? सुलक्षणा से संतान नहीं इसलिए तुम दूसरा विवाह करो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सोत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अगहन मास आया। नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलवाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। यह माता जी का प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हुए हैं। सुलक्षणा की बात सुन धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत की खबर नहीं थी, वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए। व्रत पूरे होने में 3 दिवस बाकी थे कि नई बहू को खबर मिली। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहक रही थी। सुलक्षणा के घर आ पहुंची और उसने वहां भगदड़ मचा दी। वह धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा ने आदवाया। इसी समय नई बहू ने उसके व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माता जी का कोप जाग गया। घर में अकस्मात आग लग गई, सब कुछ जल कर राख हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले आई। नई बहू रूठ कर पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ घबराना नहीं, माता जी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है पर माता कुमाता नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वे जरूर हमारा कल्याण करेंगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई, उसमें माँ अन्नपूर्णा कहकर उतर गया। वहां जा माँ जी के चरणों में रुदन करने लगा। माता प्रसन्न हो बोली, यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले, इसकी पूजा करना, तू फिर सुखी हो जाएगा। जा तुझे मेरा आशीर्वाद है, तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दिया। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर उसी प्रकार घर को आया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीने पूरे होते ही पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई, मान्यता आने लगी। इस प्रकार उसी गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसमें माता जी धूमधाम से पधारी, यज्ञ किया और धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर भवन बनवा दिया। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहां रहने लगा। माता जी के चढ़ावे में भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ा, सब लूट गया।
वे भीख मांग कर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने यह सुना तो उन्हें बुला भेजा और अलग घर में रख दिया और उसके अन्न वस्त्र का प्रबंध किया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माता जी की कृपा से आनंद से रहने लगे। माता जी ने जैसे इनके भंडार भरे वैसे सबके भंडार भरे। श्री अन्नपूर्णा माता जी की आरती। बारंबार प्रणाम मैया, बारंबार प्रणाम, जो नहीं ध्यावे तुम्हें अंबिके कहां उसे विश्राम। अन्नपूर्णा देवी नाम तिहारो, लेत होत सब काम, प्रलय युगांतर और जन्मांतर काल अंतर तक नाम। सुर असुरों की रचना करती कहां कृष्ण कहां राम, चूम ही चरण चतुर चतुरानन चारु चक्र धर श्याम। चंद्र चूड़ चंद्रानन चाकर शोभा लखई ललाम, देवी देव दयनीय दशा में दया दया तव नाम। त्राहि त्राहि शरणागत वत्सल शरण रूप तव धाम। श्री हीम श्रद्धा श्रीम एम विद्या श्रीम क्लीम कमल काम, भ्रांति भ्रांतिमय क्रांति शांतिमय वरदे तू निष्काम। बारंबार प्रणाम मैया, बारंबार प्रणाम। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।